गुप्ता जी के लड़के को जानते हो? गुप्ता जी के लड़के को जो आपके बगल में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। गुप्ता जी का बेटा महीने का 2 लाख रुपए महीने कमाता है, 2 लाख रुपए महीने। और वो शर्मा जी की लड़की, वो कल ही नर्सिंग का कोर्स करने के लिए बाहर निकल गई है कोचिंग करने। कुछ सीखो इनसे, इनसे कुछ सीखो, कुछ सीखो इन लोगों से। तुम क्या कर रहे हो? वो देखो पचौरी जी, कल ही उन्होंने अपना एक प्री एग्जामिनेशन पास किया है। प्री एग्जामिनेशन, कितना पढ़ाई में उनका मन लग रहा है, बहुत दूर तक जाएगा लड़का वो। और देखो हमारे और पड़ोसी के लड़कियों को देखो, कितना अच्छा पढ़ाई में है, हर 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 एक क्लास के अंदर टॉप लेके आता है, हाई स्कूल में भी टॉप लेके आया है और इंटरमीडिएट में भी टॉप, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब देखो नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। कुछ सीखो इन लोगों से। तुम क्या क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हो तुम? इनसे सीखो कुछ, सारी इन लोगों से। वो हमारा एक दोस्त, उसका लड़का कोटा गया है, एक हमारा दोस्त उसका सिलेक्शन हो गया। कुछ सीखो इन लोगों से, कुछ सीखो। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, अपने आसपास भी सुने होंगे, और हो सकता है कि आप भी इस तरीके का कुछ अपने माइंड के अंदर रखते हो। दूसरों के एग्जाम्पल बहुत सारे लोग देते हैं, हमारे घर के अंदर भी देते हैं। देखो वो पिछले 2 साल से अच्छी मेहनत कर रहा था और आज उसका सिलेक्शन यहां हो गया, और आज उसने अपना ये कर लिया, वो कर लिया, आज वो 1 लाख रुपए की महीने की अर्निंग कमा रहा है, 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसने अपना ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे और आज भी सुनते हैं, है ना, आज भी सुनते हैं। और आपके सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल देने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपके घर वाले होते हैं और कोई नहीं देता। बाहर वाला कभी भी आपसे ये सारे सवाल जो है नहीं करेगा, ये सब सारे के सारे जो सवाल है ना, वो आपके घर वाले ही करेंगे। अब ये सारे के सारे सवाल किए क्यों जाते हैं, उसके भी पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि आप उनकी नजर में कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप उनकी नजर में वो काम नहीं कर रहे हो जो दिखाई देता है। सबसे बड़ा कारण है ये, उनकी नजर में आप वो काम नहीं कर रहे हो जो दिखाई देता है। आप वो काम कर रहे हो जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको पता है कि इसकी वैल्यू और इसकी जो प्रोग्रेस है या इसका जो अचीवमेंट होगा वो सबसे अलग होगा। आप वो काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ये सारे के सारे ताने सुनने को मिल रहे हैं। आप वो काम कर रहे हो जो आपके पड़ोसी नहीं कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हो जो आपके गुप्ता जी का लड़का नहीं कर रहा है। आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, बहुत बहुत डिफरेंट कर रहे हो। और कोई व्यक्ति अगर सफल हो जाता है आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में या आपके रिलेशनशिप में कोई भी हो, तो उसका एग्जाम्पल भर भर के दिया जाता है, उसका एग्जाम्पल भर भर के दिया जाता है। चाहे वो कुछ भी कमा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो उसकी जो सोच है, चाहे उसकी सोच छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन हाँ उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि हाँ देखो उसका लड़का देखो कितना महीने रुपए महीने कमा रहा है, 80,000 रुपए महीने कमाता है वो। कितने? 80, यानी कि 80 को भी रस्सी बना देते हैं, इतना लंबा खींच के बताते हैं कि 80 को भी रस्सी बना देते हैं। 80,000, यानी कि 80,000 आज की डेट में देखा जाए तो एक अच्छी खासी इनकम तो होती है, लेकिन हर एक फील्ड में किसी के लिए 80,000 रुपए बहुत बड़ी इनकम है, तो किसी के लिए बहुत छोटी रकम है। किसी के लिए तो 1,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है, तो किसी के लिए 1,000 रुपए तो केवल पॉकेट मनी है, उसकी 1,000 रुपए की चाय आती होगी, हो सकता है। लेकिन अपनी अपनी वैल्यू हर किसी काम की अपनी अपनी है। अपने तरीके से जो भी इंसान काम कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, अपने तरीके से जो भी इंसान पैसा कमा रहा है वो अच्छा ही कमा रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज याद दिला देना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको याद बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। ऑन पैसिव की जो वैल्यू है, ऑन पैसिव की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड वाइड है। आपके पड़ोस में जो गुप्ता जी का लड़का है उसको कितने लोग जानते हैं? कितने लोग?
उसके आस पड़ोस के लोग जानते होंगे, वहां जो काम करता होगा बंदा वो जानता होगा, उनकी कंपनी के लोग जानते होंगे, उनके कुछ खास रिश्तेदार लोग जानते होंगे। क्या उनको पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा इंडिया जानता है? पाकिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडिया में, जहां जहां भी जितने सारे लोग रहते हैं वो जानते हैं? कोई नहीं जानता है। उनसे 100 किलोमीटर दूर का बंदा उनको नहीं जानता होगा, लेकिन उनका एग्जाम्पल बहुत देते हैं। आने वाले वक्त में आप देखना कि आपका एग्जाम्पल, आपका उदाहरण, आपके एक भी रिश्तेदार नहीं होगा जो आपका उदाहरण नहीं देगा, आपका एग्जाम्पल नहीं देगा। आपका एक भी पड़ोसी नहीं होगा जो आपका एग्जाम्पल नहीं देगा। और तारीफ वही होती है जो पीठ पीछे होती है, पीठ के सामने तो हमेशा चापलूसी ही होती है। तारीफ हमेशा जो भी व्यक्ति करता है ना आपकी, आप क्या हो, कैसे हो, तो तारीफ हो या बुराई हो, असली वही मानी जाती है। आपके ऊपर या आपके सामने चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, वो कुछ नहीं है, आप उसको बिल्कुल एक कान से सुनो तो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन असली तारीफ वो होती है जो आपके पीठ पीछे होती है, जो आपकी एब्सेंट में होती है। अगर कोई बुराई भी कर रहा है तो वास्तव में वो बुरी चीज होगी तभी वो बुराई करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने कोई आपकी, आप बुरे इंसान होते हुए भी आपकी तारीफ कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो चापलूस है। आज जिन जिन लोगों की एग्जाम्पल दे करके हम टेंशन में आ जाते हैं ना, और कुछ लोग और हम सब लोग थोड़ा सोचते भी हैं यार हम तो कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन नहीं, आने वाला जो वक्त है वो आप गांठ बांध लें, माइंड में फिट कर लें कि ऐसा कोई मोहल्ले वाला नहीं होगा, आपका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जो आपका एग्जाम्पल नहीं देगा। ये बात आप नोट करके रख लें। ऑन पैसिव की जो कीमत है ना, वो सिर्फ ऑन पैसिवियन ही जानते हैं जो इस ऑन पैसिव के अंदर हैं, कि आखिर ये कंपनी कर क्या रही है और यहां से आने वाले वक्त में हम सब लोगों को क्या हासिल होगा, क्या हासिल होने वाला है। जिंदगी भर की कमाई आपकी 5 साल के अंदर भी पूरी हो सकती है, यहां से ध्यान रखना। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को, जो भी आपके सामने एग्जाम्पल देते हो, उसकी कैलकुलेशन लगा लें, पता चल जाएगा आपको कब से वो जॉब कर रहा है, उसने कितनी इनकम कर ली, उसने कितना खर्च कर लिया, सब पता चल जाएगा कि उसकी एक महीने की एवरेज इनकम कितनी निकल के आएगी, सब पता चल जाएगा। लेकिन सब कुछ जो है यहीं पर ही डिपेंड नहीं होता है, कुछ हमारे अंदर सपने भी होते हैं, कुछ पैशन भी होता है। और जिन जिन लोगों की जो एग्जाम्पल देते हैं ना आपके सामने, उनसे सिर्फ एक सवाल कर लेना, एक सवाल, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल कर लेना, उनसे कहना कि अभी तो हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, गुप्ता जी का लड़का तो बहुत सक्सेसफुल है, महीने का 80,000 रुपए कमाता भी है। 80,000, कितने? 80,000 रुपए कमाता भी है वो। कह देना उससे, जिस दिन हम थोड़ा सा उसके लेवल पे आ जाएंगे तो भी चलते हैं फिर एक महीने के लिए कहीं घूमने के लिए, अपनी फैमिली को साथ लेकर के टूर पे चलते हैं, वर्ल्ड टूर ना सी तो इंडिया के किसी कोने में चलते हैं, एक महीने के लिए ना सी तो 15 दिन के लिए चलते हैं, यहीं पे उनकी टाइम टाइम फीस हो जाएगी। टाइम टाइम फीस, कैसी टाइम टाइम फीस? क्योंकि अगर वो जिस सोर्स से 80,000 रुपए कमाते हैं, वो कोई जॉब हो सकती है या कोई प्राइवेट वर्क हो सकता है या उनका खुद का कोई काम हो सकता है जिसको वो बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो सैलरी कट, और ज्यादा दिन की छुट्टियां लिए तो जॉब गई, सोर्स ऑफ इनकम खत्म, परमानेंटली खत्म। और हम यहां पे, अरे 15 दिन के लिए तो क्या, अगर हम 1 साल के लिए भी अगर कहीं जाएंगे तो वहीं से भी हम अपना काम कर सकते हैं। हम पैसिव इनकम पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, ये सब एक्टिव इनकम है। जिस दिन ये खत्म, इनकम खत्म। आप सोचो, जरा गहराई से सोचो, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, ये सब एक्टिव इनकम है। कि उसका लड़का इतना कमा रहा है, वो इतना सक्सेसफुल हो गया, वो कोचिंग कर रहा है, वो कोचिंग करके वहां चला गया, वो आज 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, ये एक्टिव इनकम के एग्जाम्पल है। जहां वो काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल उनकी तबीयत खराब हो जाए तो वो उस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस काम को जो कर रहे हैं, उस काम को उनकी बीवी नहीं कर सकती,
उस काम को उनके बच्चे नहीं कर सकते, तो वो उनको खुद ही करना पड़ेगा। जब वो खुद ही नहीं कर पाएंगे तो सैलरी कट। अगर वो काफी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए तो खुद ना खास्ता वो ऊपर भी जा सकते हैं। तो जो सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ था उनका एक्टिव इनकम का, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो इन सारे चीजों को बहुत सारे लोग एग्जाम्पल एग्जाम्पल इतने मारते हैं कि पता नहीं कि हाथ में एक आग का गोला होता है, वो ऐसा लगता है कि सर पे लग गया हमारे, ऐसा लगता है कि दिमाग की नस फट गई हमारी, इस तरीके से वो एग्जाम्पल मारते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने पैसे कमा रहे हो, फलाना दिखाना, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन उनको नहीं पता कि ऑन पैसिव आने वाले वक्त में पैसा तो देगी देगी, लेकिन वो इनकम देगी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो इनकम देगी जो आने वाले वक्त में आपकी भी आएगी प्लस आपकी जनरेशन को भी आएगी। इनकम के साथ साथ आपकी वैल्यू भी देगी, जहां आपके आपके आसपास के 10 लोग आपको सलाम ठोकेंगे, जहां आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे वो आपका एग्जाम्पल देंगे आने वाले वक्त में। आप देखना, एग्जाम्पल मिलेगा। हम सब लोग एक एग्जाम्पल के पात्र बनने वाले हैं। आपके रिश्तेदार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने लड़के को देख करके ये बोलेगा कि इनकी तरह बनना है, इनकी तरह काम करना है, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, इनसे पूछो। आज इनके पास पैसा तो है, लेकिन पैसे के साथ साथ एक वो चीज होती ना, फ्रीडम। ये जिस व्यक्ति ने इस चीज पे काम किया वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसका माइंड टेंशन फ्री रहेगा, क्योंकि पैशन और जो पैसिव इनकम होती है वो हमेशा टेंशन फ्री रखती है। पैसिव इनकम जो होती है वो आपको इन सारे झंझटों से और जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हमारे फैमिली में हमारे माइंड में जो आती रहती है ना, इनसे दूर रखती है। और सबसे बड़ी चीज जो पैसिव इनकम होती है ना, वो आपके बड़े से बड़े गोल को अचीव करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। कितना बड़ा गोल हो सकता है आपका, लिख लो, देख लो, इमेजिन कर लो। पैसिव इनकम जहां होगी आपकी, वहां आप बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हो। और जहां एक्टिव इनकम होगी आपकी, चाहे भले ही 1 लाख रुपए महीने हो, 2 लाख रुपए महीने हो, आप कभी भी बड़े से बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। हाँ, छोटे मोटे गोल तो आप अचीव कर ही लोगे। हाँ, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी भी हो गई है, अपना घर हो गया है, लेकिन कभी भी आप एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, कभी भी आप एक लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर आपके पास एक्टिव इनकम है। तो पैसिव इनकम वाला हमेशा लग्जरी गाड़ी के सपने देखता भी है और उसे पूरा भी करता है। तो लोगों के अगर आज अभी आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आने वाले वक्त में आपके एग्जाम्पल बिल्कुल पलटने वाले हैं। आप एग्जाम्पल के पात्र बन चुके हो, बस थोड़ा सा थोड़ी सी प्रोसेसिंग की थोड़ी सी कमी रह गई है, वो भी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपके बटुआ भरा नहीं, आपकी एग्जाम्पल देखो कहां कहां आपके चर्चे होंगे, कहां कहां आपके चर्चे होने के साथ साथ आपके पर्चे भी बटेंगे और बहुत कुछ होगा। फेमस तो हो ही जाएंगे रातों रात में आप, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि जल भुन के राग भी हो जाए, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको रातों रात देख करके, क्योंकि जो अब आने वाली है ना, जो भी सक्सेस हमारी आने वाली है, क्योंकि जो ऑन पैसिव में एकदम से जो होगा वो धमाका होगा, एकदम से जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया और लोगों ने सेल परचेजिंग करना शुरू किया, धमाका होगा, धमाका। और हो सकता है कि कुछ आपके आस पड़ोस के लोग जो है आपको आगे फाड़ फाड़ के भी देखें, ये भी हो सकता है। तो बस टेंशन ले लेना, सारे टेंशनों से दूर रहो, जो भी ऑन पैसिव में हो रहा है उसको सीखो और सीखते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। और जितने भी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं उनके सारे सवालों के जवाब भी आप सही तरीके से दे पाओगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हम अंदर हैं तो 100% सिकंदर हैं, और आने वाले टाइम में हम एक बेस्ट एग्जाम्पल बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट।